दोस्तों ये नोकिया 105 TA 1304 मोबाइल है, और इसमें जो प्रॉब्लम है हमारा है कि ये सेट जो है चलते चलते अचानक से बंद हो गया और फिर ऑन नहीं हो रहा है। तो हमने इसमें सॉर्टिंग भी चेक किया, कोई सॉर्टिंग का इशू नहीं था। हमने चार्जिंग का वोल्टेज भी चेक किया, इनपुट आउटपुट दोनों बराबर था इसमें। तो चलिए दोस्तों इसको हम देखते हैं कि इसमें कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, बोर्ड जो है बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी कनेक्टर के पीछे थोड़ा यहाँ पे हमको पानी जाने का इशू दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या कि इसके बैटरी के कनेक्टर का जो सप्लाई है तीन, उसको हम चेक करेंगे। तो ये जो बीच वाला सप्लाई अगर ब्रेक हो जाता है तो भी इसमें प्रॉब्लम आता है, मोबाइल मतलब डेड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सप्लाई जो है कुछ इस तरीके से, इसका जो है लाइन यहाँ से रेजिस्टेंस हो गई, इस जो पॉइंट बना है यहाँ पे जाती है। तो चलिए अभी हम इसको मल्टीमीटर के द्वारा जो है चेक करेंगे कि इसका सप्लाई जो हमको यहाँ पे बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब ये प्लस का पॉइंट हो गया और ये हमका BSI का बीच वाला पॉइंट हो गया जिसपे हमको कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे देखिए यहाँ पे हमको कुछ सप्लाई मिल रही है और यहाँ पे बैटरी कनेक्टर के पीछे जो हमको यहाँ पे कुछ सप्लाई शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हमको एक जम्पर करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और नहीं तो यहाँ से यहाँ तक हम जम्पर कर देंगे। तो चलिए अभी हम इसमें जम्पर करके फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें जो है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, हमने जो है इसमें जम्पर कर दिया है और कुछ इस तरीके से भी आपको जम्पर कर देना है और फिर इसको सेट को जो है ऑन करके चेक करना है। तो चलिए हम सेट को ऑन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम था हमारा वो सही हुआ कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेट में प्रॉब्लम था हमारा डेड का वो सही हो चुका है, जो कि पानी जाने की वजह से जो ऐसा प्रॉब्लम आ गया था सेट में। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है मोबाइल में तो इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।